ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर दैट इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ठीक है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाई द इलेक्शन इज कंडक्टेड इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. ओके व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर अस. ओके बिकॉज विदाउट द इलेक्शन यू जस्ट इमेजिन यू कैन नॉट कैपेबल टू चूज द परफेक्ट कैंडिडेट दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव. यू कॉल द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इन द वास्ट कंट्री एस्पेशली वेयर द पॉपुलेशन आर मोर देन 1 million. ओके सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चूज योर रिप्रेजेंटेटिव विदाउट द इलेक्शन. ओके सो वी अमेजिन डैट कि इफ वी सेलेक्ट और चूज और प्रेफर ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज एंड द वॉट एक्सपीरियंस. ओके तो इट इज नॉट ग्रांटेड कि हु विल बी द मोर नॉलेजबल हु विल बी द मोर एक्सपीरियंस. सो देयर विल बी कंफ्यूजन एवरी टाइम. तो द बेस्ट वे टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव दैट इज थ्रू द इलेक्शन. ओके दैट्स वाई इन आर कंट्री इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. ओके इन आर कंट्री इलेक्शन कमीशन कंडक्टेड इलेक्शन एवरी आफ्टर 5 years. ठीक है 5 years इलेक्शन करना है एंड आफ्टरवर्ड्स हाउ कैन वी मेक योर इलेक्शन डेमोक्रेटिक. ओके सो हमने बताया था देयर शुड बी वन वोट वन वैल्यू है ना. लाइक अ फीजी वी हैड डिस्कस कि फीजी में क्या है. इंडियन फीजी जो होते हैं जो वोट वैल्यू होता है उनका कम होता है और जो वहाँ के फीजी होते सिटीजन उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा होती है. ठीक है सम वेयर यू हैव सी यू हैव ऑलरेडी रेड इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन व्हाट यू रेड दैट द ओनली द एक्टिव सिटीजन कैन दे आर अलाउड टू कास्ट देयर वोट. ओके सो दे इट इज नॉट happen in our country after when your country declared republic and your country independent in year 1947. From that day the government or our constitution provided the equal opportunity to all those who completed 18 years old. Okay so previous class we had discussed about the what is universal adult franchise. Everyone understood? Sabhi ko samajh mein aa gaya. So we followed this है ना कि those who completed 18 years old they allow to vote है ना with irrespective of caste color class whatever there is no discrimination. okay फिर study we had discussed about the कि what makes is it good to have a political competition or not. okay yes political competition is essential otherwise everyone will take a granted है ना कि suppose why they will do vote. They will think that ki if the people are choosing me, so no need to work. If they have a competition, of course they will try to perform better. है ना अगर मैं पहले से बोल दूँ कि यही बच्चा फर्स्ट करेगा none of the और I will not conduct the exam. तो why he will do a study? Why he will do a hard work? He knows ki I will come first because ma'am told this. Okay, so it's happened. तो इट शुड नॉट बी ग्रांटेड बाई एनी वन नहीं होना चाहिए. तो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज एसेंशियल. देन यू चेक एंड क्रॉस द योर अपोजिट पार्टी. आप अपने अपोजिट को क्रॉस भी करते हो. दे डोंट वर्क एनी वन शुड बी दे आर हु कैन क्रॉस एंड पॉइंट आउट ऑन योर वर्क आर यू डूइंग वर्क और नॉट. ओके तो दिस इट शुड बी एसेंशियल फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन. ठीक है कॉम्पिटिशन होना बहुत जरूरी है. Sometimes we say कि before the election the one party put the allegation on other parties. एक dirty politics चलता है तो क्या होता है just we not feel good. हमें बहुत अच्छा नहीं लगता है कि एक पार्टी उसके लिए स्कैंडल तैयार करती है. Sometimes that is not true. कभी कभी ऐसा भी आपने सुना है कि उसने वो किया नहीं बट उसके लिए वो स्टिंग ऑपरेशन मतलब बनाया गया किया गया. तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं बट इट्स हार्डली मैटर. ये बहुत कम होता है क्यों बिकॉज यू हैव अ वॉट राइट टू फ्रीडम वे यू कैन सपोज टू पुट योर व्यूज पुट योर पॉइंट्स कि नो आई एम नॉट हेयर आई एम करेक्ट आई एम इनकरेक्ट एनी पॉइंट. ठीक है और इंडिया यहाँ पे हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वे आर द काउंसिल मिनिस्टर स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर. ठीक है सेकेंड आफ्टर 1991 कॉलिशन गवर्नमेंट्स ठीक है केम इन टू द पावर. सो ऑल द मोस्टली नो नॉट अ सिंगल पार्टी गेट्स गॉट अ मेजोरिटी सो दे टेक हेल्प फ्रॉम द अदर पॉलिटिकल पार्टीज.
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है एलिगेशन करना. सो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज एसेंशियल एंड इट इज़ गुड फॉर द डेमोक्रेसी. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड दिस, हमने कर लिया, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हम लोग समराइज कर रहे हैं. वट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, आई एक्सप्लेन दैट कि वट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. वी डिवाइडेड आवर कंट्री इन टू हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने डिवाइड किया. ओके, एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वी चूज वन रिप्रेजेंटेटिव. तो टोटल स्टेंग इज 543 प्लस 2 इज नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, वेन दे डोंट हैव अ एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन द इलेक्शन, सपोज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उस एंग्लो कम्युनिटी से कोई भी जीत कर नहीं आया, तो इन दिस सिचुएशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो कम्युनिटी. सो टुडे स्ट्रेंथ इज 545 इन द लोकसभा. ठीक है, बट इट कैन बी स्ट्रेंथ क्या हो सकता है 552 है ना, 55 है. ठीक है, इट कैन बी इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता. इज इट क्लियर? इट सेम हैपन इन द स्टेट इलेक्शन फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, वहाँ पे होती है, लाइक यूपी, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, दैट्स वाई वहाँ 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है. बिहार ओनली द 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे 1 और 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस दिस थिंग, एंड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी वी चूज ओनली 1 रिप्रेजेंटेटिव एंड एवरी वोट काउंट 1 वैल्यू. ठीक है, ये नहीं कि सपोज यू आर लिविंग इन पटना, सो यू आर गोइंग टू ट्रांसपोर्ट नगर, यू आर गोइंग टू यू नो कंकड़बाग एंड द बोरिंग रोड, यू वॉन्ट, ओनली एट वन प्लेस यू आर अलाउड टू वोट. ठीक है, नेक्स्ट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी. वॉट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? Study, I discussed that, कि we reserve some seats for the weaker section of the society. Why? For their development, for their upliftment, है ना? Because they are subjected from long years. They are economically, socially and politically backward. ठीक है? So they cannot compete from us. Okay? But among them, they can easily what? Compete to each other. That's why this some seats are reserved for the ST, SC, and OBC, other backward class. Okay. So how many seats are reserved for the SC? How many? Oh, that's why सबका दिख रहा blank. I'm just studying. I explain each and everything. The why you people are just expressing कि क्या आप मैम. चलो अच्छा ही हुआ, तो मैं डिटेल में बता रही थी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन द ऑनलाइन क्लास है ना. ओके, तो जनरल का 412 है, जनरल कैटेगरी जो होती है 412, दिस इज एस टी दैट इज 47 एंड शेड्यूल कास्ट 84. क्लियर है? सो फॉर एस टी एस सी दिस सीट्स आर रिजर्व. ओके, ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पीपल, ठीक है, कैन कंडक्ट द इलेक्शन, कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इन द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिकॉज दैट इज रिजर्व. जैसे सपोज आप जाते हो रेस्टोरेंट में, यू सी कि वन प्लेस इज वैकेंट, बट यू आर नॉट अलाउड टू सिट देयर. व्हाई? बिकॉज इट इज रिजर्व ऑलरेडी, है ना? तो आप वो खाली भी फिर भी आप नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज यू सी कि वहाँ पे एक ऑलरेडी लिखा हुआ रिजर्व सीट. ओके, तो सेम ईयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी आर रिजर्व फॉर द एस टी एस सी एंड द ओ बी सी एंड नो जेंडर कैटेगरी पीपल कैन कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी. कोई नहीं जा सकता, मान लो कि वीमेन के लिए है, एस सी, वो जो भी बिकर सेक्शन गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसके लिए वो रिजर्व सीट है, वही वहाँ पर इलेक्शन में लड़ सकते हैं. और दोज हु विन द इलेक्शन, ओके, और वो जिस पार्टी को बिलोंग करती है, जिसकी वोट ज़्यादा आती है, जो पार्टी मेजोरिटी में आती है, दे आर अलाउड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. इतना तो पता है सभी को, बिकॉज डेमोक्रेसी
is a form of government, है ना, where everyone gets the opportunity. It is the government for the people, by the people and of the people. ठीक है, this is the way of life. अब how can could you say this is the way of life? Here you all are sitting in the bench, on the benches. सभी बेंच पे बैठे हो क्या? कोई ऐसा भी है? एंड यू ऑल आर बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, यू हैव अ योर स्किन कलर इज डिफरेंट टू ईच अदर. ठीक है, समन आप रीच, समन आप पुअर, समन आप मिडिल, बट इक्वली ट्रीटेड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन. एनीवन सिटिंग ऑन द फ्लोर? नो. एनीवन रिस्ट्रिक्टेड? नॉट यूज दैट टैप, ओनली दिस पीपल, दिस स्टूडेंट विल यूज दिस टैप? नो. Why it happened? Because of democracy, where everyone get an equal opportunity. But the architect of your constitution, Dr. B.R. Ambedkar, he was ill-treated by the... He used to sit on the floor because he was the son of Mali. And that, the caste he belonged, that was the untouchable, considered untouchable in the society. इसलिए उनको वो टैप में नहीं चुना है. जो लोग उनके कलीग होते थे, जो प्रोफेसर भी बने रिनाउंड, वो भी उस समय कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी बात होती थी. वहाँ से वो रिटर्न थे पुणे यूनिवर्सिटी में. इन स्पाइट ऑफ दिस दे आर नॉट यूज टू सपोज टू सेट टुगेदर एंड टेक लंच. मतलब उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था सिंस चाइल्डहुड. यू टू सीट ऑन द फ्लोर, जस्ट थिंक, आप में से दो बच्चों को अगर मैं बोलूँ कि तुम इस कास्ट को बिलोंग करते हो, जिस सेट है आप नेक्स्ट से टॉयलेट नहीं करोगे, यू वॉन्ट कम टू स्कूल. बट ही केम टू स्कूल एवरी डे एंड ही फेस दिस चैलेंजेस एंड वन डे ही बिकेम द योर आर्किटेक्चर ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जज्बा होता है, एवरी वन कैन नॉट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. बट दिस डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज नॉट क्रिएटेड बाई द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. This is already what practice in our society, existed in our society. These were evils. Some evils already what abolished, and some are continue. कुछ अभी भी continue है, कुछ abolished हो चुके by the law, है ना? Law के से हमने बहुत से evils को, social evils को खत्म कर दिया है. ठीक है, some हमारा will power कहाँ कहीं ऐसा है जिसको हमने continue कर रखा है. We people are responsible, like a dowry system. We people are responsible. Each and every family, if they, you know, just take a oath ki no, I will not take a dowry, then it will not continue. But everyone wishes to ki are moves ka milna kya kar lo. Even ki someone are very greedy, hai na, dowry ke liye kisko jala dete, nikal dete, maar dete, like a dowry. Every day you see in the newspaper. Okay, so democracy describes about the equality, freedom, fraternity. We should work on it. It work for the accommodation. If we have a arises conflict, tussles. So how you will resolve the disputes? Through the bilateral talk, through the discussion, through the deliberation. Killer. So is it killer, you know? Now whose name should be in a bottle list? Already clear? Those who have completed 18 years old. Okay, because our constitution update universal adult franchise. Universal means common adult. It depends upon country to country. Someone 16 years considered as adult, someone 18 years. Hamare yahan India mein pehle 21 years tha, afterwards it has correction, and the 18 years considered as adult. And franchise means to vote. क्लियर? तो वोटर लिस्ट में होना चाहिए, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. ये चीज़ें आपकी होती हैं, तो योर नेम मेंशन इन द वोटर लिस्ट. नाउ यू आर अलाउड ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन टू वोट. आप वोट देने के लिए अलाउड रहते हो. ठीक है, इन प्रैक्टिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू. ठीक है, सो नो वन शुड बी डिनाइड द राइट टू वोट विदाउट अ गुड रीज़न. जब तक कोई गुड, मान लो तुम क्रिमिनल हो, है ना, या सपोज कि यू आर टेररिस्ट, तो ऑन दिस ग्राउंड मे बी यू आर नॉट अलाउड. ठीक है, या सपोज तुमने गलती
तुमने डिक्लेयर किया कि मैं इंडिया का सिटीजन हूँ बट यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपने पेपर रॉन्ग शो किया है एंड इट इज कॉट बाय द पुलिस या समन, तो दैट टाइम यू वॉन्ट अलाउ टू वोट। कोई गुड रीजन होगा तभी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, अदरवाइज ईच एंड एवरी पर्सन दोज हू कंप्लीट 18 ईयर्स ओल्ड अलाउ टू वोट। क्लियर हो गया? सो डिफरेंट सिटीजन डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज, ये हम लोग एडमिट करते हैं। वी ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर, चाहे आप मेंटल लेवल पे भी जाओगे तो वी आर डिफरेंट, है ना। आज नीरज चोपड़ा अगर जैवलिन थ्रो में आगे बढ़ सकता है तो हो सकता है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, कोई IAS है तो हो सकता है वो जैवलिन थ्रो में अच्छा नहीं है, PV Sindhu अगर बैडमिंटन में अच्छी है वो हो सकता है किसी और चीज़ में अच्छी नहीं है। तो बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट टू ईच अदर बाय बॉर्न, हम जन्म से एक दूसरे से डिपेंड्स। यू जस्ट सी एंड यू नो रियलाइज कि इन विच फील्ड यू कैन एक्सेल, इन अ स्पोर्ट्स, इन अ म्यूजिक, इन अ यू नो स्टडी, इज डिपेंड अपॉन यू पीपल एंड वर्क ऑन इट, उस पर काम करो एंड वन डे यू विल अचीव योर गोल। जो नहीं कि आप पढ़ के सब चीज़ हासिल कर सकते हो, दे आर मेनी फील्ड्स एंड यू गेट मेनी अपॉर्चुनिटी। आज देखो छोटे छोटे इंडियन आइडल में डांस इंडिया डांस, इतने छोटे छोटे, मैं एक डांस इंडिया डांस देखती हूँ, सुल्तान नाम का बच्चा है, हार्डली 6, माई गुडनेस क्या डांस करता है वो। ठीक है, वो ट्रेनिंग लिया डांस सीखा बट उसकी भी अपना वर्क है और वहाँ पर तो सभी लोग पहुँचे हुए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से सिलेक्शन होके गया है, बट वो एक अलग दिखता है। ठीक है, ऐसे बहुत हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट जो अभी मुझे बता रही हूँ कि मैं फील्ड की बात को रिलेट करके करूँ, म्यूज़िक में इंडियन आइडल में भी एक से एक हैं, तो इन मिनी फील्ड स्पोर्ट्स हैं, म्यूज़िक है, डांस है और भी बहुत सारे फील्ड हैं, इज डिपेंड अपन यू बिकॉज डेमोक्रेसी प्रोवाइडेड इक्वालिटी टू ईच एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू यू ऑल। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि तुम किस कास्ट को बिलोंग करते हो, किस रिलीजन को बिलोंग करते हो, किस क्लास को बिलोंग करते हो। If you want to do whatever want, whatever wish, you can do. Because our country is a democratic country and power is in our hand. If the government is not working according to our wish, we have a right to not choose in the next election. Vote to aap dete ho na? A ko jitana hai, B ko jitana hai, that is your decision. जीत जाने के बाद देन यू स्टार्ट क्रिटिसाइज, और जब इलेक्शन होता है वोट देने की बात आती है, यू पीपल इंजॉय दैट डे एंड वॉच TV, उस समय आप अपनी वोट वैल्यू को भूल जाते हो एंड दिस वोट वैल्यू काउंट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू चूज योर गवर्नमेंट हु विल रूल ऑन बिहाफ ऑफ यू पीपल। वो आपके बिहाफ में रूल करने जा रही है, तो जस्ट दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू चूज अ बेस्ट वन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, है ना, जेंडर, नो, यू जस्ट सी हु विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, डेवलपमेंट फॉर द नेशन एंड दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट यू जस्ट वोट। व्हाट आर द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज, विच प्रोग्राम एंड पॉलिसी इज बेनिफिशियल फॉर यू, है ना। तो मे बी इन बिहार whatever your need, maybe the Maharashtrian peoples are different, दोनों के तो एक नीड requirements नहीं हो सकते, आपके लिए हो सकता है health ज़्यादा भी priority है, उनके लिए agriculture priority हो, industries priority हो, तो इस it can be vary from place to place, ठीक है, okay? So highly educated, some are not so educated, not educated at all, तो some are kind, others are not so kind, there are variety of people you see in the society, है ना। सो बट ऑल ऑफ देम आर ह्यूमन बींग्स, बट इन सब चीज़ में हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। सो सम आर काइंड, अदर्स आर नॉट, बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स विद देयर ओन नीड्स एंड व्यूज, दैट इज वाई ऑल ऑफ देम डिजर्व टू हैव एन इक्वल से इन डिसीजन, ओके, दैट अफेक्ट्स देम बिकॉज इट्स अफेक्ट एवरी rules, every regulation affect to each and every person. If suppose your school authority take decision, everyone have to come at 4 o'clock in the morning, it will affect or not? Of course it will affect,
those who are living nearby, they will can easily reach at school at 4 PM. But those who are living in a remote area or far away from school, it takes 1 hour, 2 hours. So from what time they will start? 3 and 2 o'clock? From 1 o'clock they will start and prepare for the school. So it is possible for those students who come every day? No, because it's affect, the timing affect that particular student, those who are living far away places. And those who are living nearby, it's no matter. Achha, theek hai, 5 o'clock ki jagah 4 hi, ek hi ghante ka difference hai, we can manage. But they cannot manage. So every decision affects to each and every person. That's why we should all have take or involve in each and every decision, whatever taken by the governments. Theek hai? That's why we criticize sometimes, that's why we appreciate sometimes कि गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट ये अच्छा नहीं काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिस इफेक्ट टू द गवर्नमेंट एज वेल, ये गवर्नमेंट को भी अफेक्ट करती है. ठीक है. सो इन आर कंट्री ऑल द सिटीजन एज 18 ईयर्स एंड एवर कैन वोट एन इलेक्शन. एवरी सिटीजन हैज द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज आर कास्ट, रिलीजन और जेंडर. सम क्रिमिनल्स एंड पर्सन विद अनसाउंड माइंड, हर किसी को नहीं दिया जा सकता. आप कोई पागल उसको बोला जाएगा वोट दो, उसका दिमाग ही नहीं ठीक है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो क्या सोचेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना. तो दे बी डिनाइड टू राइट टू वोट. तो यहाँ पे ये नहीं सोचना चाहिए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिला, बिकॉज दिस इज़ अ गुड रीज़न कि वो अनसाउंड माइंड है. ही एंड सी कैन नॉट टेक डिसीजन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, दैट्स व्हाई दे आर डिनाइड टू वोट. ओके, बट ओनली रेयर सिचुएशन, ये रेयर सिचुएशन में होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर्स, दोज हु आर कंप्लीटली 18 ईयर्स, है ना. तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ओके, टू पुट द गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल पर्सन पुट ऑन द वोटर लिस्ट, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे सारे 18 ईयर्स के सिटीजन को नेम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. ठीक है. So voting is names added to the voter list, names of those who move out of a place, or complete revision of the list takes place every 5 years. Malo ki suppose today you are living in a transport, might be you have taken agar aapne ghar le liya hai boring road, so your residence has changed, so every after 5 years it should be checked. Theek hai, on correction. Is it clear? Yahan tak sabhi ko samajh mein aa gaya? No problem. So next class we shall discuss about the nomination of the candidate and the election campaign, polling. It's all about the electoral politics. This chapter, this is very long chapter and you should read. Okay? Each and every page, whatever I taught in the class today. Thank you all.